बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट यानी बीए हिस्सा सोम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और सोम का जो हिस्सा है वो जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है उर्दू जबान व अदब की तारीख का खाका। इससे मुतालिक यानी इस सिलेबस से मुतालिक अपन आज गुफ्तगू करेंगे। उसमें आप जानते हो कि जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने जमात है जो क्लास जो बी ए फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जिस तरीके से सिलेबस होता है इसी तरीके से बी ए पार्ट थर्ड ईयर में भी सिलेबस होता है। और उसके बाद इसी में जिस तरीके से बी ए फर्स्ट ईयर में अपने यूनिट के हिस्सों को तकसीम किया गया है उसी तरीके से बाब यहाँ पर भी बाब बनाए गए हैं। जो निशाब बी ए फैनम का है उसमें भी बाब बनाए हुए हैं। उसका जो बाब जो पेपर है अपना जो फर्स्ट है उसका नाम है पूरी तरह उर्दू अदब उर्दू जबान व अदब की तारीख का खाका। इससे मुतालिक निसाब जो बनाया गया है ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अपने ये निसाब जो बनाया गया है इसमें आप तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। वही उसी तरीके से पर्चा आता है जिस तरीके से आपके फर्स्ट ईयर में बी ए फर्स्ट ईयर में आया है बी ए सेकेंड ईयर में आया है। कोई 3 घंटे का पर्चा होता है। जो इम्तिहान में आप ये देखिए कि जो अव्वल हिस्सा है जो अव्वल हिस्सा है उसको ये तरीका देखिए कि अव्वल हिस्से में जो सवाल दिए हुए हैं वो सारे लाजमी होते हैं क्योंकि हर सवाल एक नंबर का होता है और करना लाजमी है। आपने देखा होगा कि हर जो बी ए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक लाइन के सवाल जवाब आते हैं। सवाल जवाब जो एक लाइन के आते हैं उनको करना ज़रूरी है किसी भी तरीके से किसी भी शायर के ऊपर किसी भी नज़्म निगार के ऊपर किसी भी गज़ल गो शोरा के ऊपर पूछा जा सकता है कि जैसे किसी दो गज़ल गो शोराओं के नाम बताइए किसी दो नज़्म निगारों के नाम बताइए किसी दो मर्शिया निगारों के नाम बताइए किसी दो नज़्म इसके कशीदा निगार के नाम बताइए। इस तरीके के सवाल जवाब हमारे यहाँ पर भी बी ए फर्स्ट ईयर का जो हिस्सा अव्वल है उसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अपना उर्दू अदब यानी जो उर्दू साहित्य उर्दू अदब है उसमें ये देखिए कि जो हिस्सा अपना यहाँ पर जो अव्वल हिस्सा है अव्वल हिस्से में 10 सवाल होते हैं। 10 ही सवाल करना लाजमी है। एक लाइन के सवाल जवाब होते हैं कौन कहाँ कैसे या किसने कौन सी किताब कब लिखी और कौन सा मर्शिया किसने लिखा कौन सी नज्म किसने लिखी इससे मुतालिक गुफ्तगू की जाती है। वो हर सवाल एक नंबर का होता है। कुल अपने को 10 सवाल होते हैं। 10 ही सवाल पर्चे में सारे सवाल करना लाजमी है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो दूम हिस्सा है दूम हिस्से को भी अपने यूनिट में तकसीम किया गया है। जो यूनिवर्सिटी का निशाब है उसमें इस यूनिट को जो दूम हिस्सा है उसको 5 यूनिट में तकसीम किया गया है। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ और यूनिट फाइव यानी जो सवाल है वो हर यूनिट में 2 सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं पूछे जा रहे हैं। और इनमें से कोई सी भी यूनिट से आपको 1 सवाल करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट में 2 सवाल हुए 2 सवाल में से आपको केवल सिर्फ 1 सवाल का इंतखाब करना है और हर सवाल का जवाब कम से कम 100 अल्फाज में देना लाजमी है। क्योंकि अगर आप कम या ज़्यादा में देते हैं तो कम में देंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की कमजोरी सामने आती है और ज़्यादा भी देना अनावश्यक होता है। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी जांचने वाला है जो कॉपी जांच करता है उसको ये देखना है कि बच्चे का लेवल या बच्चे का जो जो लिखने की सलाहियत है वो किस तरीके के हैं। इसके बाद आप देखिए तो जो सेकेंड यूनिट है उसमें भी 2 सवाल होते हैं। 2 सवाल में वहाँ पर भी आपको 1 सवाल करना है। वो सवाल शुरुआत का उसमें पहला करो या आखिरी करो दोनों के बीच में से या लिखा हुआ आता है उस या के बीच में आपको 1 सवाल करना है। क्योंकि दोनों में से 1 सवाल का इंतखाब करें ताकि तो उसके नंबर 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। अगर 2 सवाल करते हैं तो एक एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सवाल चेक करें। नियमानुसार जो कानूनी तौर पर जो सवाल है वो एक ही करना लाजमी है। इसी तरीके से आप यूनिट थर्ड में देखिए जो थर्ड यूनिट है उसमें भी 2 सवाल दिए होते हैं। सवाल बहुत मुख्तसर ज़्यादा मुख्तसर 100 अल्फाज में उसका जवाब देना होता है। चाहे सवाल
पहले शुरुआत का करें उस यूनिट में से या आखिर दूसरा करें, तो कोई सा भी एक सवाल का, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड या बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा सवाल करूँ। और इसी तरीके से आप देखिए सवाल जो चौथा यूनिट है उसमें भी ये दिया रहता है कि दो सवाल आते हैं, जाहिर सी बात है सवाल मुख्तसर भी हो सकता है थोड़ा सा तफसीली भी हो सकता है, तो उसमें ये देखा गया है कि हर सवाल को दोनों में से कोई सा एक सवाल आपको करना है और उसके बाद दोनों में से एक सवाल में से आपको एक सवाल का जो आपको बेहतर तरीके से आता हो उस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देना है। इसी तरीके से जो पांचवी यूनिट है जो यूनिट नंबर 5 है उसमें भी दो सवाल होते हैं, दो सवालों के बाद जो भी हैं पहले से शुरुआती यूनिट है यूनिट पहले 1 2 3 4 5 जो भी यूनिट है इसी तरीके से पांचवी यूनिट में भी दो सवाल होते हैं, उनमें से भी कोई सा एक सवाल आपको करना है, चाहे वो सवाल किसी सिलेबस से मुताबिक होता है बच्चों को उसको सही तरीके से जवाब यहाँ पर देना है। इसी तरीके से आप देखिए हिस्सा सोम हिस्से में आप ये देखिए कि इसमें 4 सवाल तफसीली तौर पर होते हैं, चारों सवाल आप ये हैं उसके हिस्से भी हो सकते हैं और तफसीली तौर पर भी हो सकते हैं, जैसे कंटिन्यू किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो मीर तकी मीर की गजल कोई पर तफसीली बहस कीजिए या किसी भी तनकीद निगार पर, किसी गजल निगार पर, किसी कसीदा निगार पर, किसी मर्शिया निगार पर, इससे वगैरह वगैरह इस तरीके से तफसीली सवाल हो सकते हैं और सवाल के हिस्से भी हो सकते हैं। बच्चा जो और उन सवालों के जवाब आपको 500 यानी 500 अल्फाज से ज़्यादा ना हो और कम भी ना दे, कोशिश करें कि अपने तफसीली सवाल को बेहतर से बेहतर तरीके से उसका जवाब पेश कर सकें और उनको जो सवाल होते हैं उन 4 सवालों में से कोई सा एक दो सवाल अपने को करना होता है, जो 20 नंबर का पहला सवाल 20 नंबर का, दूसरा सवाल भी 20 नंबर का, लेकिन जो सवाल के हिस्से हैं उनको दो हिस्से भी हो सकते हैं, उन हिस्सों पर आपको करना लाजमी है, जैसे तसरी से मुतालिक जो सवाल आते हैं, नज्म की तसरी है, गज़ल की तसरी है और भी इस तरीके के इक्तिबास जो दिए हुए रहते हैं, जैसे तीन इक्तिबास होंगे तो कोई से दो इक्तिबास आपको करना है कि कौन सा ये इक्तिबास कहाँ से लिया गया है, इसके मुसन्निफ क्या है और इसका सयाक व सबाक होता है उसमें क्या, इस तरीके से भाई कहाँ से लिया गया है, कौन इसका है, इसमें क्या बात बताना चाह रहा है, शायर या मुसन्निफ अपनी क्या बात पेश करना चाह रहा है, उस चीज़ को वहाँ पर करना होता है। और ये जो सवाल है तो ये जो सोम यूनिट सोम में जो सवाल है ना उस सवाल में आपको ये देखना है कि तफसीली सवाल हो, 20 नंबर का सवाल हो और अच्छे से बेहतर तरीके से इसका जवाब पेश करना है, ताकि बच्चे या जो भी एग्जामिनर है चेक करने वाला उसको अच्छे से अच्छा नंबर वहाँ पर हासिल हो सके, बच्चे को मिल सके। तो सवाल 20 नंबर का, एक सवाल 20 नंबर का होता है, 20 मिनट में दो सवाल अपने को करने लाजमी है, तो 20 सवाल एक सवाल के 20 नंबर, दूसरा सवाल भी अगर आप कर रहे हैं तो 20 नंबर के यानी सवाल हो गए नंबर हो गए 40 40 नंबर के सवाल अपनी 100 मिनट में से पूछे जाते हैं। और बच्चों थैंक यू।